हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गेहूं और चावल के आटे को मिक्स करके आलू के परांठे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू, जिनको मैं यहाँ पर ग्रेट कर लूंगी। ये देखिए, आलू हमारे यहाँ पर ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 कप गेहूं का आटा, 1 कप चावल का आटा। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं लूंगी यहाँ पर 1 मीडियम साइज चॉप प्याज, 1 मीडियम साइज टमाटर, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, और इन सबको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और अब अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। हमारा गूंद के रेडी हो चुका है, अब हम अपने पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। इसमें से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, तो हमारे पराठे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं गाइस। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करना। बस हम सिंपल तरीके से पराठे को सेक लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं, ऐसे ही हम इसे भी तैयार करेंगे। गाइस, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। आप इन्हें ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें हरे धनिए की या फिर पुदीने की चटनी के साथ जरूर सर्व करें, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है और ये बहुत ज्यादा लजीज भी लगते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाज़रीन का किचन। सी यू विद अनदर अमेजिंग रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर।